हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वूल के ग्लव्स लेके आई हूँ, जिसको बनाना बिल्कुल ही आसान है। और ये देखिए बच्चे जब इसको पहनेंगे तो इसको पहनने से पेन पकड़ने में बिल्कुल आसानी रहती है और ये गर्म भी बहुत है। तो चलो हम इसे बना के देखते हैं। इसके लिए ये देखिए मैंने क्रोशिया लिया है। अब क्या करेंगे, हम पहले अपना बॉर्डर बनाएंगे। इसके लिए हमें 20 चेन बनाऊंगी मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये देखिए फ्रेंड्स, आप अपनी मर्जी से जितना भी चाहो बॉर्डर बना सकते हो। मैंने अपने हिसाब से, अपनी रिस्ट के हिसाब से एक चेन एक्स्ट्रा बना के सेकंड वाली चेन में ये देखिए सिंगल क्रोशेट करेंगे। हर चेन में हमें सिंगल क्रोशेट करते हुए जाना है। ये देखिए ऐसे ही पूरी चेन में 20 टाइम अगर आपको छोटा बॉर्डर रखना है तो आप चेन को कम भी कर सकते हैं, और बड़ा करना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने बाजू के हिसाब से, रिस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हर चेन में लेना हमें। सिंगल क्रोशेट करना है, करते हुए हम अपने लास्ट में पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये लास्ट। अब क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, ऐसे पकड़ना है आपको, ऐसे पकड़ना है। ये देखिए पूरी चेन नज़र आ रही है, ये देखिए ऊपर पूरी चेन नज़र आ रही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस वाली साइड से पकड़ते हुए हमें ये बनाना सिंगल। ये देखिए इधर वाली साइड छोड़नी है, इधर वाली साइड से लेते हुए हमें ऐसे चेन को ऐसे पकड़ के रखना है। ऐसे चेन को पकड़ के रखोगे, साफ नज़र आती जाएगी और आप बिल्कुल आसानी से बनाते जाओगे। हर चेन में बनाना है हमें, छोड़ने कोई नहीं है, हर चेन में बनाते हुए जाना है। अगर आप चाहो तो गिन गिन के भी बना सकते हो कि 20 बार मैंने 20 रखी है चेन, तो मैं 20 गिन के भी बना सकती हूँ। अगर आप आइडिया से बनाना चाहते हैं तो आइडिया से भी बना सकते हैं।
ये देखिए हर चेन में एक साइड से पकड़ते हुए ऐसे, ये सामने नज़र आ रही है चेन, यहाँ से एक साइड से लेते हुए हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये साइड वाली, ये कोने वाली ऐसे। अब क्या करेंगे, लास्ट में पहुंच गए, अब क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर से इसे ऐसे ही टर्न करेंगे, ऐसे ही टर्न करेंगे। ये देखिए साफ चेन नज़र आ रही है, एक साइड से हमें फिर से वैसे ही बनाते हुए जाना है। ये देखिए एक साइड से आराम से बनाते हुए, ये देखिए, ये देखिए, ये हमें ऐसे ही बनाते हुए लास्ट तक जाना है। ये देखिए यहाँ तक पूरा करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए बिल्कुल आराम से बनेगा, कोई मुश्किल नहीं है, चेन साफ नज़र आ रही है और एक साइड से हमें बनाते हुए यहाँ लास्ट तक आना है। ये देखिए ये देखिए मैं लास्ट में आ गई। अब ऐसे ही बनाते हुए ये देखिए ऐसे ही बनता जाएगा, ये मैं पूरा करके आपको बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने आप अपनी कलाई के हिसाब से इसे बनाओगे। ये देखिए ये मैंने अपनी कलाई के हिसाब से बनाई है, ये देखिए आप अपनी कलाई के हिसाब से बनाओगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक दोनों को मिलाकर हमें इसे क्लोज करना है। एक चेन इधर से लेंगे, एक चेन उधर से लेंगे, दोनों को करते हुए सिंगल स्टिच से। ये देखिए एक चेन इधर से ली, एक चेन इधर से ली, दोनों साइड से एक एक चेन लेके हमें इसे एक चेन इधर से पकड़ा, एक चेन इधर से लिया, दोनों साइड से लेके दोनों को एक साथ ऐसे करते हुए जाना है। बड़े आराम से करना फ्रेंड्स, दोनों साइड से एक एक पकड़ना है, एक चेन इधर से लेनी है, एक चेन उधर से लेनी है। ऐसे ही करते हुए हमें ये सारी रो कंप्लीट कर लेनी है।
ये देखिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, हम लास्ट में पहुंच गए हैं। ये देखिए, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए, यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, ऐसे हमने इसे सिल दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें ये पूरी पूरी साइड से हमें फंदे उठाते हुए चले जाना है। ये देखिए, अब क्या करेंगे, तीन चेन बनाएंगे पहले, एक दो तीन, यहाँ से, यहाँ से पकड़ेंगे, एक एक बनाया, एक बीच में से बनाया, ऐसे ही बनाते हुए हमें एक यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया, ऐसे ही करते हुए हमें ऐसे ही उठाते हुए हमें पूरा राउंड, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे उठाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरे राउंड में मैंने सारा बना लिया। अब क्या करेंगे हम, एक दो तीन, यहाँ पे, यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए, अब क्या करेंगे, तीन चेन, अब एक चेन छोड़ते हुए, एक चेन छोड़ते हुए दूसरे वाली चेन में हमें दो बार निकालना है, एक दो, फिर एक चेन छोड़ी अगली चेन में, फिर एक चेन छोड़ी अगली चेन में, एक एक चेन छोड़ते जाना है, नेक्स्ट चेन में दो बार निकालना है, एक चेन छोड़नी है नेक्स्ट में, दो बार निकालना है, ऐसे ही करते हुए हमें ये पूरा राउंड करना है। ये चोड़ी इसमें दो बार बनाया, एक चेन छोड़ी दूसरी में दो बार बनाया, एक चेन छोड़ी नेक्स्ट में। अगर आपकी वूल थोड़ी पतली है तो आप तीन बार भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है मैंने दो बार निकाला तो दो बार ही निकालना है, ऊन पतली है तो आप तीन बार निकालें, ऐसे ही एक चेन छोड़ते जाना, नेक्स्ट वाली में दो बार निकालते जाना।
दो बार निकाला, फिर अगले वाले में दो बार निकाला, ऐसे ही करते जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल आसान तरीके से बता रही हूँ मैं। आप इसको बनाते समय स्किप मत करना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। पूरा लास्ट तक वीडियो देखें तभी आपको पता चलेगा। ये देखिए, एक चेन छोड़ी, इसमें दो बार बनाया, अब क्या करेंगे, ये तीन चेन, एक दो तीन, लास्ट वाली चेन में डाल के हमें स्टिच करना है यहाँ पे, ऐसे। ये देखिए, ऐसे पूरी रो, फिर से तीन बार, एक आगे लेके आएंगे इसको, ऐसे ये होल में से लाएंगे। ये देखिए, सामने नज़र आ रहा है ना, इसमें से यहाँ से निकालना है, एक दो तीन, तीन बार निकाला, फिर यहीं से एक बार ये वाला हो गया, एक बार ये तीन वाली चेन, दो बार, अभी हर होल में से हमें दो दो बार निकालते जाना। ये देखिए, दो दो बार निकालते जाना, ये होल नज़र आ रहे हैं, इसी में से आपको हर होल में दो दो बार निकालते जाना है। ये देखिए, ये हमें यहाँ से लेके इतना बॉर्डर बन गया, यहाँ तक बनाना है हमें। ये देखिए, यहाँ तक बनाना है, इसके लिए हमें चार लाइनें बनानी पड़ेंगी, तभी जाके पूरा होगा। ये देखिए, अब क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ से थंब निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले तीन तीन चेन बना लें, पहले इनको गिन लें, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ ऐसे करके। ये देखिए, ये थंब निकल गया, इसको हमें यहाँ से ऐसे निकालना है। ये देखिए, ये थंब बन गया और ये फिंगर वाली साइड। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें हर चेन में सिंगल स्टिच करते हुए जाना है, बॉर्डर की तरह बनाना है इसको, सिंगल स्टिच करते हुए। ये देखिए, बॉर्डर की तरह बनाते हुए जाना है, हर चेन में बनाएंगे, छोड़नी कोई चेन नहीं है, हर चेन में बनाना। ये देखिए, हम एंड में आ गए, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहीं पहुँच के। ये देखिए, अब यहाँ पे पहुँच गए। अब क्या करना है, फिर से यहाँ से एक उठाना है, फिर से एक राउंड और लगाएंगे,
हर चेन में उठाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ तक कंप्लीट करके अब हम फिंगर वाली साइड बनाएंगे। अब ये देखिए, ये हमने थंब पूरा बना के दो राउंड बना के यहाँ से कट कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से फिंगर बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, अटैच करेंगे धागा। यहाँ से एक दो, यहीं से अब हर होल में से निकालते हुए दो दो बार, हर होल में दो दो बार निकालेंगे। ये देखिए, ये देखिए, हर होल में से निकालना हमें दो दो बार। पूरी साइड पे घुमाते हुए ऐसे ही बनाते जाना है। ये देखिए, हर होल में से दो दो बार निकालना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ से निकालेंगे, अब ये देखिए, यहाँ से थंब इस साइड चला गया। अब इस साइड पे हमें यहाँ पे अटैच करना है, यहाँ पे अटैच करना है ऐसे। अब इसी होल में से हमें तीन चेन ली, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर से हर होल में से निकालते हुए हमें ये कंप्लीट करना है। ये देखिए, हर होल में से दो बार निकाल लिया। लास्ट में पहुंचने वाले हैं, दो दो बार निकालना है। अगर आपकी ऊन पतली है तो आप तीन बार भी निकाल सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पे हमें स्टिच करना है ऐसे, ये देखिए। अब क्या करेंगे, हमें हर चेन में दो का एक बनाते हुए, सिंगल स्टिच बनाते हुए जाना है। ये देखिए दो का एक हर चेन में, ऐसे ही हर चेन में ये ऊपर जो चेन नज़र आ रही है दो का एक, ऐसे ही सिंगल स्टिच करते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए हमारी एक रो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए अब क्या करेंगे, एक रो और बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए एक रो और कंप्लीट करनी है, उसके बाद मैं बताती हूँ। ये देखिए अब हम लास्ट में पहुँच चुके हैं, सिंगल स्टिच करते हुए यहाँ पे हमारी दोनों रो पूरी हो गई है। ये देखिए ये लास्ट में यहाँ तक बनाना है। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ से धागा काट देना है, उनको काट देंगे यहाँ से, इसको पीछे अटैच करेंगे। ये देखिए थैंक यू फॉर योर टाइम, आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ।